हाय, मैं हूँ सृष्टि और मायापुरी की 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रभास स्टारर आदि पुरुष लगातार विवादों में फंसी हुई है और अब इसे देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। अपने VFX को लेकर लगातार विरोध झेल रही फिल्म की टीम ने फिलहाल इसकी रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस फिल्म को अगले साल जून में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लेकर मेकर्स ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है और ये जानकारी दी है कि आदि पुरुष अब जून 16, 2023 में रिलीज होगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर में नन्ही परी आ चुकी है। कल आलिया ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वही पहली बार पेरेंट्स बने आलिया और रणबीर को सेलेब्स और उनके फैंस जमकर बधाइयां दे रहे हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट ने भी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को पेरेंट्स बनने की बधाई दी है। बता दें कि आलिया भट्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में गैल गैडोट उनकी को एक्टर है। आलिया की पोज पर गैल का ये कमेंट काफी वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के कई हिट गानों में अपनी आवाज देने वाली पलक मुच्छल और म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के बीच सात फेरे लिए हैं। शादी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पलक मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम से दी है। उन्होंने शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। सिंगर पलक ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, आज हम दो सदैव के लिए एक हुए। इनमें उन्होंने अपने पति और दूल्हे राजा मिथुन को भी मेंशन किया है। तस्वीरों में दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक और मिथुन एक दूसरे को पिछले 9 सालों से डेट कर रहे थे। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को काफी सीक्रेट रखा हुआ था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पेरेंट्स बनने के बाद इस बारे में रणधीर कपूर ने एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत की है। इस दौरान बेहद खुश होते हुए उन्होंने कहा, आलिया और रणबीर हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं। वो हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। रणबीर और आलिया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। इस दौरान रणधीर कपूर ने अपने दिवंगत भाई और रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर को भी याद किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई ऋषि कपूर स्वर्ग में खुश हो रहे होंगे। हम कपूर चाहते थे कि सब लोग खुश रहें। कियारा आडवाणी ने पिछले कुछ समय में बॉलीवुड में अपनी बेहतर पहचान बना ली है। वो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। उनके हाथ में इस समय कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हाल ही में वो एयरपोर्ट पर नो मेकअप लुक में नजर आई। फैंस को उनका ये अंदाज भा गया और उन्हें हेमा मालिनी की याद आ गई। कियारा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एयरपोर्ट से बाहर आती दिख रही हैं। वीडियो में वो पिंक फ्लोरल लॉन्ग ड्रेस में नजर आ रही हैं और हाथ पे बैग थामे हुए हैं। कियारा ने मेकअप नहीं किया हुआ है, जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस का मानना है कि वो सिंपल भी काफी अच्छी लग रही हैं। साउथ से लेकर बॉलीवुड सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले कमल हसन की आज भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अभिनय से लेकर राजनीति में कमल हसन ने अपने हुनर से झंडे गाड़े हैं। हर क्षेत्र में सफलता का स्वाद चखने वाले कमल हसन के बर्थडे पर पूरे देश से उनके फैंस उन्हें ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर और संगीतकार विशाल भरद्वाज के बेटे आसमान भरद्वाज हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक कदम रखने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली फिल्म कुत्ते की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, जिसमें कई बड़े सितारे नजर आएंगे। आसमान भरद्वाज के निर्देशन में बन रही पहली फिल्म अगले साल यानी 2023 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में अर्जुन कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारे नजर आएंगे। लवरंजन के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आज की सुबह एक ट्वीट किया गया, जिसके जरिए बताया गया कि ये फिल्म अगले साल 13 जनवरी को रिलीज होगी। बंगाली और हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस राइमा सेन आज अपना 43rd जन्मदिन मना रही हैं। 7 नवंबर 1979 को राइमा सेन का जन्म शाही परिवार में हुआ था। राइमा की माँ दिग्गज एक्ट्रेस मुनमुन सेन और नानी सुचित्रा सेन अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थी। आज एक्ट्रेस के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस उन्हें बहुत सारी विशेष और ढेरों बधाइयां भेज रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने दिए बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं। इस बीच इन दिनों एक्ट्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल कंगना ट्विटर का समर्थन करती नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने ट्विटर को सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बताया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में ट्विटर की प्रशंसा करते हुए एक लंबा नोट भी लिखा है। कंगना ने ये जाहिर किया है कि ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए पैसे लेने का फैसला बिल्कुल सही है। मशहूर निर्देशक, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर किरण राव आज 49 ईयर्स की हो गई हैं।
किरण राव ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लगान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। फैंस को सबसे ज्यादा शौक तब लगा था जब आमिर खान और किरण ने अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। आज किरण राव के बर्थडे के मौके पर उनके सभी फैंस की तरफ से उन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मायापुरी कट को।